जीएसटी को लागू हुए 6 महीने बीत चुके हैं। जीएसटी लागू करना सही है या गलत, इस बात को लेकर कई बार संसद में बहस हो चुकी है। वैसे सरकार जीएसटी को देश के लिए एक फायदेमंद फैसला बता रही है। जीएसटी लागू होने के बाद हुए विधानसभा चुनावों में भी सरकार ने इस मुद्दे को खूब भुनाया, लेकिन एक खबर के मुताबिक 5वें और 6ठे महीने में केंद्र सरकार की कमाई को तगड़ा झटका लगा है। आंकड़ों के मुताबिक इसकी प्रमुख वजह जीएसटी के तहत टैक्स में गिरावट आना है, यानी केंद्र सरकार को जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स से आमदनी की जितनी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई है। जीएसटी लागू होने के बाद अक्टूबर और नवंबर महीने में केंद्र सरकार की कमाई में आई कमी से गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। क्या जीएसटी का मौजूदा स्वरूप केंद्र सरकार की आमदनी में परेशानी खड़ी कर रहा है? क्या जीएसटी लागू करने से पहले टैक्स में इजाफे का जो सपना सरकार ने देखा था, सरकार उसको पूरा नहीं कर पाई है? या फिर राजनीतिक फायदे के लिए नुकसान वाला जीएसटी लागू करना जरूरी था? आपको बता दें कि केंद्र सरकार जनवरी के पहले हफ्ते के दौरान गिल्ट बॉन्ड के जरिए 18,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने पर फैसला ले सकती है। इस कर्ज को लेने के पीछे सरकारी घाटे को पाटने, मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान टैक्स एकत्र करने और रेवेन्यू पैदा करने के लक्ष्य में विफलता को बड़ी वजह माना जा रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।